मध्य प्रदेश में इतना बड़ा एनसीआर के आंकड़े ये बताते, भारत सरकार के की सर्विसेज के सारे आंकड़े ये बताते हैं कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा अपराध क्यों है, महिलाओं के साथ बलात्कार क्यों है, आदिवासियों के साथ अत्याचार क्यों है, महिलाओं का अपहरण क्यों है। आप इसका सवाल का उत्तर कौन देगा मुख्यमंत्री जी? ये सवाल बनता है कि नहीं बनता है? और सबसे बड़ा सवाल आज जो पैदा होता है वो कि अडानी समूह जिसने देश में एक सबसे बड़ा महाअपराध किया है, महाअपराध महाभ्रष्टाचार, उसमें मध्य प्रदेश की सरकार की कितनी सहभागिता है? जो अडानी समूह में एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार देश के सामने, एक फ्रॉड सामने आया है, उसमें मध्य प्रदेश सरकार, आपकी सरकार, शिवराज सिंह जी की सरकार की भूमिका क्या है? आपने कितनी जमीनें उनको दी, कितनी उनको टैक्स में छूट दी, कितने उनके समूह में सहायताएं की, इतनी छह छह बार इन्वेस्टर मीट किया, उसमें अडानी को बुलाया, और अडानी को कौन कौन सी सहायता आपने दी जो इस फर्जीवाड़े को सहयोग करती है? मुख्यमंत्री जी सहयोग तो सवाल तो ये बनता है। तो सवाल ये भी बनता है मुख्यमंत्री जी कि उमा भारती आपसे पहले मुख्यमंत्री थी, वो शराब की दुकान के सामने गाय बांध रही है, शराब की दुकान पर पत्थर चला रही है, शराब की दुकानों की बाटलें फोड़ रही है, शराब की को लेकर आपसे रोज मिल रही है, रोज अपनी अपने सम्मान को धीरे धीरे करके समाप्त कर रही है, सिर्फ आपसे, आपकी पार्टी, आपके विचार की मुख्यमंत्री, उसका उत्तर आज तक आपने नहीं दिया, ये सवाल है कि नहीं है? कमलनाथ की सरकार से 15 महीनों के जवाब मांगना आपका अधिकार हो सकता है, पर इन सवालों का उत्तर देना भी आपकी दायित्व है, आपका कर्तव्य है। तो कृपया करके इस पर आपको मध्य प्रदेश को अवगत कराना चाहिए। मैंने जैसे विधानसभा सत्र में मांग की थी एक श्वेत पत्र आर्थिक हालात को लेके मध्य प्रदेश की सरकार थे, और जैसा मैंने कहा था एक बार पहले, 15 आपके खिलाफ में आरोप पत्र मैंने दायर किया था, मुख्यमंत्री के खिलाफ इस सदन में मैंने एक आरोप पत्र दिया था लिखित में, वो आरोप पत्र में अभी आप सबको सर्कुलेट कराता हूं। उसका पत्र आर्थिक हालात को लेके मध्य प्रदेश की सरकार थे, और जैसा मैंने कहा था एक बार पहले, 15 आपके खिलाफ में आरोप पत्र मैंने दायर किया था मुख्यमंत्री के खिलाफ इस सदन में मैंने एक आरोप पत्र दिया था लिखित में, वो आरोप पत्र में अभी आप सबको सर्कुलेट कराता हूं। उसका उत्तर मुख्यमंत्री ने नहीं दिया था सदन में, क्योंकि मेरी पहले बोलने की बारी थी, उनकी बाद में थी, और उसी के बाद समाप्त हो गया सत्र। तो फिर सत्र आएगा तो वो आरोप पत्र फिर मैं रखूंगा 15 मंत्रियों के भ्रष्टाचार के खिलाफ आरोप पत्र कांग्रेस पार्टी रखेगी। मैं अनुरोध करता हूं कि मुख्यमंत्री इसकी प्रदेश को अवगत कराए, जो श्वेत पत्र की मांग की थी आर्थिक हालात को लेके वो स्पष्ट करे, जो आरोप पत्र उनके खिलाफ लगाए उसके उत्तर मध्य प्रदेश की जनता को दे, ये सवाल है मध्य प्रदेश के सामने, और ये मांग का। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।